الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض आज के दर्स में मुहर्रम के महीने के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखनी है मुहर्रम का जो महीना है वो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जब से अल्लाह ने आसमान ज़मीन बनाए हैं उसी वक्त से महीने भी अल्लाह ने बनाए यानी महीने भी मखलूक़ हैं अल्लाह ने इनको भी पैदा किया उसी वक्त जब अल्लाह ने आसमान ज़मीन बनाया उसी वक्त से अल्लाह ने बारह महीने बनाए और इन बारह महीनों में चार महीने हरमत वाले हैं तो ये बारह महीने कौन से हैं और हरमत वाले चार कौन से हैं इसका जिक्र क़ुरान में नहीं है इसलिए जो आदमी सिर्फ़ कुरान मानने का दावा करेगा वो नहीं साबित कर सकता है कि बारह महीने कौन से हैं और चार महीने हरमत वाले कौन से हैं उसकी तफसील हदीस में है सही बुखारी में उसका ज़िक्र अल्लाह के नबी ने ज़िक्र किया पूरा बताया कि बारह महीने कौन कौन से हैं मुहर्रम से लेकर के और ज़िलहिजा तक आपने बताया कि ये बारह महीने हैं और उसके बाद आपने चार महीने हरमत वाले बताएँ आपने फ़रमाया तीन महीने लगातार हैं और एक महीना बीच में है रजब तीन महीने लगातार कौन से हैं जो हरमत वाले हैं वो िकादा जिलिजा और मुहर्रम झलकादा जिलहिजा मुहर्रम साल का आखिरी दो महीना झलकदा जिलहिजा और साल का पहला महीना मुहर्रम हाँ और बीच में एक महीना रजब ये चार महीने हुरमत वाले हैं तो ये जो मुहर्रम का महीना है ये महीना भी समझिए कि हुरमत वाला महीना और साल की शुरुआत इस महीने से होती इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है अफसोस मुसलमानों के लिए ये भी है हमारे लिए अफसोस है हमारे मुसलमान बच्चों के लिए भी अफसोस है कि हम इस्लामी कैलेंडर को देखने और उसका इस्तेमाल करने और उसका अहतमाम करने का जो मामला हमने तर्क कर दिया छोड़ दिया है हम ज़्यादातर इंग्लिश कैलेंडर ही को देखते हैं और उसी को इसलिए सारे जो जितने भी चीज़ें होती हैं सब उसी के हिसाब से हम करते हैं ठीक है लेकिन कम से कम इतना मालूम होना चाहिए कि इस्लामी कैलेंडर और इस्लामी तारीख़ का भी अहतमाम हमारी ज़िंदगी में रहना चाहिए तो ये पहला महीना है जो मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है ये जो महीना है इस महीने के अंदर आप देखेंगे जैसे ये महीना शुरू होता है ना तैसे मुहर्रमात शुरू हो जाते हैं ये महीना मुहर्रम हरमत वाला महीना है यानी इसका एहतराम इसका तकदस इसकी अजमत का ख्याल हर मुसलमान को करना चाहिए लेकिन जैसे ये महीना शुरू होता है ना शुरू होते ही लोगों में मुसलमानों में बहुत सारी हराम चीज़ें शुरू हो जाती हैं मुहरम में मुहरमात शुरू हो जाते हैं और उन हराम चीजों को करने में दोनों एक हो जाते हैं शीया सुन्नी मिल जाते हैं काले कपड़े हरे कपड़े एक हो जाते हैं एकदम सारी खुदाफ एक साथ मिलकर करते हैं और ये जैसे महीना शुरू होता है दुआ व्हाट्सअप पे बंटना शुरू हो जाती है साल की मुबारकबादी इस्लाम में हमारे दीन में यानी साल की मुबारकबादी देना इसका कोई तस्वूर नहीं कहीं सबूत नहीं है और लोग जो है दुआएं बांटना और फैलाना सब शुरू हो जाता है जैसे महीना आता है और उसके बाद फिर वो अक्सर जो है मस्ाजिद में दस दिन का प्रोग्राम होगा सारी चीज़ और बहुत सारी खुराफात इस महीने में करने वाले काम क्या है ये जो मुहर्रम का महीना है जो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और उसी के साथ साथ चार हरमत वाले महीनों में से एक है करने वाला काम क्या है हमारे नबी ने इस महीने में कौन सा अमल बताया जो करना है इस पूरे महीने में करने वाला सिर्फ एक अमल है एक अमल है जो हमको हमारे नबी से मिलता है जो करने वाला है और वो है रोजा अल्लाह के नई फरमाते सही मुस्लिम की हदीस है अफजल बद रमजान के बाद सबसे अफजल रोज़ा सबसे अफजल रोजा रमजान के बाद कौन से महीने का रोज़ा है मुहर्रम, यानी मुहर्रम जो अल्लाह का महीना सारे महीने अल्लाह के हैं लेकिन आपने इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ से की इसकी फजीलत बढ़ जाती है। अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा सबसे अफजल रोज़ा है फर्ज के बाद रमजान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अगर कोई है तो मुहर्रम के महीने का रोजा है और आपने आगे फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज तहद की नमाज है रात की नमाज है क्यामल जिसको हम कहते हैं तो ये इससे एक बात मालूम होती है कि इस महीने में करने वाला एक अमल है कि हम कसरत से रोजा रख सकते हैं एक आदमी जितना रोजा चाहे रख सकता है जो मतलब जो है पूरा महीना तो नहीं रखना है लेकिन छोड़ छोड़ करके जिस तरह से क्योंकि पूरा महीना रखने का सबूत हमको सिर्फ रमजान के महीने में है उसके अलावा और किसी महीने में हमको अल्लाह के नबी से पूरा का पूरा महीना रखने का सबूत नहीं मिलता तो आदमी कसरत से इस महीने में नफ, नफली रोजा जितना चाहे रख सकता है अगर वो रखता है तो इसकी फजीलत है अगर वो इस महीने में रोजा नहीं रख सकता सारे महीने में तो कम से कम जो बहुत ज्यादा फजीलत वाला रोजा जिसको आपने फरमाया कि एक साल के गुनाह माफ हो जाते हैं वो कौन सा रोजा है वो आशूरा का रोजा है आशूरा मतलब दसवा जो बना है आश्र से आश्र का मतलब दस आशूरा दसवा तो मुहर्रम के दसवीं तारीख को आशूरा कहा जाता है इसका खास एहतमाम करना और इसकी खास फजीलत आई आपने क्या फरमाया? आशूरा अल्लाह के नबी वसल्लम से आशूरा के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने क्या फरमाया फिर मादिया एक साल पिछले गुनाह माफ हो जाते आपके गुनाहों की फाइल में से एक साल के गुनाह डिलीट पिछले एक साल के गुनाह माफ तो ये आशूरा का रोजा आशूरा का रोजा कौन सा रोजा है दसवा मुहर्रम की दस तारीख का जो रोजा है उसको आशूरा का रोजा बोलते हैं लेकिन हमको सुन्नत से ये बात मालूम होती है कि कितना रखना चाहिए असल रोजा तो एक आशूरा का रोजा कहते को। लेकिन हमारे नबी नबील ने अपने आखिरी अय्याम में जिस साल आपकी वफात हुई आपने एक नीयत की थी अगर मैं अगले साल रहा तो नौ का रखूंगा लेकिन आप रख नहीं पाए आप दुनिया से चले गए इसलिए अब सुन्नत कितना रोजा रखना है दो नौ और दस नौ और दस ये दो रोजे रखने हैं आशूरा आशूरा असल में दस है लेकिन उसके साथ एक नौ मिलाना है क्योंकि हमारे नबी ने नियत की थी लेकिन कर नहीं पाए तो नबी अगर कोई नियत करें करने के लिए कोई नेक इरादा करें लेकिन किसी वजह से कर ना पाए वो भी सुन्नत बन जाता है जैसे आपने हजत तो नहीं किया उसमें भी सुन्नत वही माना जाता है तो इसलिए यहां पर भी दो रोज़े रखने अगर एक आदमी पूरे महीने में रोज़ा रखता है जितना चाहे रख के ये अल्लाह के महीने का रोज़ा और बहुत फजीलत वाला रोज़ा है तो आदमी कसरत से जितना चाहे रख के नहीं तो कम से कम दो रोजे की नीयत अभी से आदमी को करके रखना चाहिए अगर नहीं रख पाया मौत हो गई तब भी अल्लाह ताली उसको सवाब देगा हम नीयतों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं बहुत फ़कीर होते हैं पहले से नीयत नहीं कर पाते हैं इसलिए अमल में गरीब होते हैं इसलिए हम जो है नियत को बहुत पहले से मजबूत करें कि हमको ये दो रोजे रखने हैं और अगर कसरत से चाहें तो रखें तो पता चला कि इस मुहर्रम के महीने में नबी से या शरीयत से हमको सिर्फ एक अमल मिलता है जो करने वाला पूरे महीने में वो रोजा है या तो कसरत से जितना चाहें रखें और या तो कम से कम दो रोजा हम जो रखना है जो हम रखें आशूरा के नौ दस तारीख को यानी मुहर्रम की नौ दस तारीख इसके अलावा कोई भी अमल इस महीने में साबित नहीं है बहुत सारी खास खास दुआएं इस महीने में ये दुआ पढ़ना चाहिए इस महीने में दुआ बहुत सारी दुआएं व्हाट्सअप पे की जाती कोई बूत अल्लाह के नबी वसल्लम से खूसी कोई दुआ इस महीने में साबित नहीं है इसके अलावा इस महीने में और बहुत सारी खुराफात की जाती है कि मतलब जो है मातम करना मातम का महीना मनाना सीने को पीटना ग़म का महीना मानना और शादी ब्याह नहीं करना और बहुत सारी खुराफा ताज़िया बनाना हज़रत हुसैन की कब्र का मॉडल बनाना वो ताज़िया क्या मालूम है हज़रत हुसैन की कब्र का मॉडल है और ये बताया जाता है कि हम बहुत मोहब्बत करने वाले हैं बहुत सारी खुराफात इस महीने में होती है बचें लोगों को बचाएं और आशूरा का जो रोज़ा है उसका ताल्लुक किससे है उसका तल्लु हैत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत से नहीं इसको याद रखना आज बहुत सारे मुसलमान भी आशूरा का रोज़ा जब रखते हैं तो उनके जहन में यही रहता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत से इसका ताल्लुक है हैरत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत एक मजलूमाना शहादत है हम उसको मानते हैं लेकिन उनकी शहादत कब हुई है सन इकसठ हिजरी या सन साठ हिजरी यानी एकसठ हिजरी में हाँ और जो है आशूरा का रोजा तो बहुत पहले से है हमारे नबी ने भी आशूरा का रोजा रखा है तो मतलब पता चला कि आशूरा का रोज़ा बहुत पहले से है। और इसका ताल्लुक हजरत मूसा सलाम की फिरौन से निजात के दिन से है अल्लाह ने मूसा सलाम को निजात दिया फिरौन से फिरौन को हिला किया तो मूसा सलाम ने शुक्र के तौर पर रोजा रखा था तो जब शुक्र के तौर पर रोजा रखा मूसा सलाम ने आशूरा का दिन था वो हमारे नबी ने उस रोजे को रखा बाकी रखा इसलिए हम भी रखते हैं तो हम जो आशूरा का रोजा रखते हैं वो मूसा सलाम की वजह से नहीं हम हमारे नबी के बताने की वजह से रखते हैं हमारे नबी अगर पिछली शरीयत का कोई अमल बाकी रखें हम भी वो करेंगे तो ये आशूरा का रोज़ा वहाँ से आया है मूसा सलाम से ये करबला से इसका ताल्लुक नहीं है इसको याद रखें तो बहरहाल ये इस महीने में करने वाला अमल रोज़ा इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है इसलिए बचें लोगों को बचाएँ ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तोफ़ी दे और दीनी मसले को समझने की तोफ़ी दे और लोगों को समझाने की तोफ़ी दे आमीन तकब्बल रबी अलिक वरह ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान